तो आज शर्मा जी, आज हम लोग ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला पढ़ लिया हुआ था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ होती है? तो आंसर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज्यादा सरफेस पर होती है। अगर ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होती चली जाएगी, नीचे आएंगे तो जी की वैल्यू तब भी कम होती चली जाएगी। ज्यादा कहाँ कम होगी? ऊपर जाने पर ज्यादा कम होगी। दोनों फॉर्मूले हम लोग ने पढ़ लिए हुए हैं, ग्राफ हम लोग ने पढ़ लिया हुआ है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेसिकली क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या ये बात सही है? हाँ, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आज हम लोग का दूसरा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ दी अर्थ की शेप के कारण भी हमारी जी की वैल्यू चेंज होती है। देखिए कैसे भाई, ऐसा कैसे हो गया? ये हमारी अर्थ की शेप होती है, ओवल शेप। ओरिजिनल शेप हमारी अर्थ की कुछ ऐसे है, ठीक। अब ये वाली जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, और ये वाली जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं पोल, ठीक। सबसे ज्यादा जो लेंथ होती है, जो सबसे ज्यादा रेडियस होता है, वो इक्वेटर का रेडियस ज्यादा होता है। रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल, याद रखना। अब एक बात बताओ, जी की वैल्यू क्या होती है? जी की वैल्यू होती है जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। मतलब जिसका रेडियस ज्यादा उसकी जी की वैल्यू कम की ज्यादा? कम होगी। हाँ, जिसका रेडियस ज्यादा होगा तो जी की वैल्यू कम होगी। तो रेडियस ऑफ इक्वेटर, रेडियस ऑफ पोल, बताइए कौन ज्यादा? रेडियस इसका ज्यादा। इक्वेटर ज्यादा, तो जी की वैल्यू कैसी होगी यहाँ पर? कम की ज्यादा? कम होगी। तो जी इक्वेटर इज लेस देन जी एट पोल, मतलब पोल पर जी की वैल्यू हमारी ज्यादा होगी, वही है ना? ठीक। तो इनके ऊपर तो जो है, एक मिनट शर्मा जी, रेडियस ऑफ कर्वेटर, रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। जहां पे रेडियस ज्यादा वहां जी की वैल्यू कम, तो जी की वैल्यू इक्वेटर में कम है और पोल पर ज्यादा है, ठीक। जी पे पोल कितना है? तो हम बोलेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ कितना? तो यहाँ पे हम बोल देंगे 9.79, ठीक है। कितना कितना फर्क होता है? 9.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा नहीं कि जी की वैल्यू 9 हो गई, ऐसा नहीं होता। हम अप्रोक्सीमेटली चेंजिंग आते हैं, ठीक। तो नोट कर लीजिए, द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल। वेट का फॉर्मूला होता है mg। तो जहां पर जी ज्यादा वहां वेट ज्यादा, तो जी कहां ज्यादा है? पोल पर ज्यादा है। हाँ, तो वेट एट पोल इज ग्रेटर देन वेट एट इक्वेटर, ठीक। तो अगर कोई भी इंसान जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाता रहता है ना, तो उसका वेट इंक्रीज होता जाता है। वेट ऑफ ए बॉडी इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। याद रखना, वेट ऑफ ए बॉडी हमेशा इंक्रीज होगी जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक। तो ये सब नोट हो गया, कर लिया आपने? जी सर। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ये तीसरा हम लोग ने पढ़ लिया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट कितनी? जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। एक्सेलरेशन एट द डेप्थ कितनी? जी एम आर अपॉन आर का क्यूब। या जो हम लोग ने पढ़ा था माइनस टू एच अपॉन आर, या माइनस डी बाई आर। माइनस टू एच अपॉन आर ऊपर का था, माइनस डी बाई आर नीचे का था। वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ,
ये हम लोग ने सामने पढ़ लिया कि जहां रेडियस ज्यादा होता है वहां जी की वैल्यू कम होती है, तो पोल पे जी ज्यादा है, इक्वेटर पे जी कम। ठीक, अब हेडिंग लिखिए वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। देखिए ये अर्थ का सेंटर है, इसको हम बोलते हैं फाई। याद रखना जब आप मैप खोलेंगी गूगल मैप तो देखो उसमें लिखा होता है 22.4 डिग्री पे दिल्ली है, 38.6 डिग्री पे जौनपुर है, 82.9 डिग्री पे लखनऊ है, डिग्री लिखा रहता है ना उसके अंदर, 32.5 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री वेस्ट लिखा रहता है ना, तो यही होता है वो, ये जो डिग्री है यही फाई, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। इतने डिग्री पे अमेरिका, इतने डिग्री पे इंडिया, इतने डिग्री पे साउथ अफ्रीका, ऐसे है। जैसे डिग्री हम चेंज करते जाएंगे तो हमारे स्टेट चेंज होते रहेंगे, कंट्री चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो उसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। जब ये अर्थ हमारी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमती है तो याद रखना ये हमेशा ऐसे इस लाइन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है एम आर ओमेगा। इसमें कोई भी पार्टिकल जब घूमेगा वो कैसे घूमेगा? एम आर ओमेगा। इसमें जी की वैल्यू कहाँ काम करती है? डाउन टू दी अर्थ, मतलब एट द सेंटर ऑफ दी अर्थ। तो ये अर्थ का सेंटर है तो जी की वैल्यू यहाँ काम करेगी, यहाँ पे ये जी की वैल्यू काम करेगी, जी एम जी वेट यहाँ काम करेगा, एम जी दिस इज वेट। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा ना वो कुछ इस तरह आएगा एम जी डैश, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरह आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, या कुछ लोग इसको अल्फा भी लिखते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। जब हमारी अर्थ घूमती है तो अर्थ के घूमने के कारण जी की वैल्यू कितनी चेंज होती है, तो ये जी डैश की वैल्यू हमें यहां से पता लगती है। जी की वैल्यू तो एक ओरिजिनल लगती 9.8 रेडियस ऑफ द अर्थ एंगुलर वेलोसिटी कॉस। ठीक है, ठीक है सर, नोट करिए। सिपा बताओ, इक्वेटर नीचे होता है, पोल ऊपर होता है। अगर हम इसको ऐसे कम करते जाए, अभी स्क्रीन को देखिए जरा, इसको कम करते गए, इसको नीचे ला के रखते हैं, तो बताओ फाई की वैल्यू इक्वेटर पे क्या हो जाएगी? जीरो नहीं होगी फाई की। वेरी गुड, एट इक्वेटर फाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन। ठीक, तो जी डैश किसके इक्वल आएगा? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इक्वेटर पर। अब ये बताइए पोल पर जी की वैल्यू कितनी होगी? अरे पोल पर फाई की वैल्यू कितनी होगी? 90। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। जो बताओ जी डैश किसके इक्वल आएगा? अगर कॉस 90 जीरो हो गया तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, तो जी डैश किसके इक्वल आएगा? जी के। अब एक बात बताइए, इक्वेटर पे ये देखो जी डैश किसके इक्वल है? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे। तो देखो इसमें कुछ माइनस हो रहा है। ठीक, क्या नीचे कुछ माइनस हो रहा है? जी सर। नहीं माइनस हो रहा। तो बताओ जहां कोई चीज माइनस हो जाती है तो वो चीज छोटी हो जाती है, तो जी की वैल्यू कहाँ छोटी मिल रही है? इक्वेटर पर की पोल पर? इक्वेटर पर। ठीक, इसको नोट कर। हाँ, इक्वेटर में मिल रही है, जी की वैल्यू छोटी क्योंकि माइनस हो रहा है ना, इसको नोट कर। फाई को क्या बोलते हैं? फाई को बोलते हैं लैटिट्यूड। तो जी की वैल्यू हर जगह चेंज होती है सिवाय एक जगह छोड़कर, पोल पर।
क्योंकि पोल पर हमारा हमारी अर्थ चाहे जितनी चीज घूमे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी तो उसको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जी पोल पर जी पे ओमेगा आता ही नहीं इस फॉर्मूले में। देखो जी डैश आर जी इक्वल आ रहा ऑन चेंजिंग रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ जी चेंजेस एवरीवेयर चेंजेस एवरीवेयर एक्सेप्ट पोल। याद रखना जी की वैल्यू हर जगह चेंज होती है सिवाय पोल को छोड़कर, याद रखना हमेशा। ठीक है क्वेश्चन देखिए इफ अर्थ स्टॉप मूविंग अगर हमारी अर्थ रुक जाए अराउंड इट्स पोलर एक्सिस देन वॉट विल बी द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ जी। ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी सेम एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी। पोल पर अगर हमारी अर्थ एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाए तो पोल पर बताइए जी की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी कि सेम रहेगी? सेम रहेगी। वेरी गुड। जी डैश इक्वल टू जी होगा क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छे अब जाके सीखे हो। अब आगे देखो देखिए ये हमारी अर्थ है समझ समझ में अच्छे से आ रहा ना? जी सर आ रहा है। हाँ नहीं आएगा तो बताना। ये हमारा सेंटर ये इसके बाहर की तरफ एम आर ओमेगा स्क्वायर ये है हमारा फाइव यहां लगता है एम जी। अच्छा एक बात याद रखना एक यहां पे एक कंपोनेंट बनता है दिस ये वाला जो कंपोनेंट होता है ना इसको बोलते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। याद रखना इसके कारण ना अर्थ का सेंटर हल्का सा शिफ्ट होता है बहुत हल्का सा। ये पता है तो नॉलेज बता दिया। खैर बताना क्या चाहते हैं ये देखो जो मेन चीज हम बताना चाह रहे थे कितनी तेज इस अर्थ को हम घुमाएं ओमेगा मतलब कितनी तेज एंगुलर वेलोसिटी से अर्थ को घुमाएं कि ये जो इक्वेटर है ये वाला इक्वेटर इस इक्वेटर के सारे आदमी हवा में उड़ने लगे मतलब यहां पर जी क्या हो जाए जीरो। तो देखो फॉर्मूला क्या था g डैश इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। ठीक इक्वेटर की बात करेंगे तो इक्वेटर पे g डैश क्या हो जाएगा कितनी तेज एंगुलर वेलोसिटी से घुमाए कि इक्वेटर के सारे आदमी हवा में उड़ने लग जाए तो g डैश हमारा क्या कर देना हमको जीरो कर देना। तो जीरो इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। अब इक्वेटर पे कॉस की वैल्यू क्या होती है जीरो और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होगी वन। तो जीरो इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर जी इधर चला जाएगा तो माइनस जी इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया कैंसल तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आई रूट जी डिवाइडेड बाई कैपिटल आर मतलब इतनी एंगुलर वेलोसिटी से हम घुमाएंगे तो इक्वेटर पे जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। बात समझ में आई जी की वैल्यू कितनी 9.8
अर्थ की वैल्यू, अर्थ का रेडियस कितना 6400 किलोमीटर, इन दोनों को डिवाइड करके रूट लेंगे, हमारा ओमेगा आ जाएगा। नोट करिए, टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/ओमेगा, इसका उल्टा कर दो r/g। मतलब हमारी अर्थ रोटेट हो जाएगी टोटल 1.4 आवर, ये टाइम पीरियड आएगा इसका, इसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में वेट ऑफ ए बॉडी एट इक्वेटर बिकम जीरो, एकदम अच्छे से याद कर लेना, वेट ऑफ ए बॉडी एट इक्वेटर बिकम जीरो। तो बोलिए, समझिए, समझ में आया कि नहीं आया? रिवीजन रोज करती रहा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। Thank you.